तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं अपना न्यू लेक्चर जो कि है वाटेज HIC, यानी कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, यानी कि एक इंसान का कंप्यूटर के प्रति कितना लगाव है, या फिर क्या वो उस पर कितना वर्क कर सकता है, ठीक है। या एक कंप्यूटर हर एक इंसान की लाइफ में आज क्या इम्पोर्टेंस रख सकता है, तो ये सारी हम चीज़ें आज देखने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। तो ठीक है, चलते हैं हम अपना नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले पहला स्लाइड है आपका ह्यूमन एंड कंप्यूटर, यानी कि इंसान और कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमंस की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ अचीविंग थिंग्स एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल स्पाइस, यानी कि एक जो ह्यूमन होता है काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकता है, कैपेबल हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। और उसका एक स्ट्रेटजी हो सकती है, ठीक है। और ये सारा एक ह्यूमन के अंदर आता है, यानी कि एक यहाँ पर आपको एक डिफरेंस दिखाया गया है ह्यूमन्स एंड कंप्यूटर के अंदर। तो सेकंड इज़ दैट कि कंप्यूटर जो है डिज़ाइंड बाय ह्यूमन, यानी कि कंप्यूटर एक ह्यूमन के थ्रू डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी कि एक इंसान के थ्रू डिज़ाइन किए जाते हैं, ना कि कंप्यूटर से ह्यूमन डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो जो इंसान होते हैं वो कंप्यूटर को डिज़ाइन करते हैं। टू मेक देयर लिव्स इजी बाई गिविंग देम टास्क टू कंप्यूटर, यानी कि वो अगर कोई टास्क देना चाहे एक ह्यूमन कंप्यूटर को, तो वो इजीली उस पर परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर कोई उसको इंस्ट्रक्शन दे तब ह्यूमन काम करेगा, ठीक है। कंप्यूटर ये बोले कि आप मेरा ये काम करो तब ह्यूमन काम करेगा, ऐसा तो नहीं है। एक ह्यूमन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, यानी कि वो इसको एक कमांड दे सकता है कि आप ये करिए, ठीक है। तो HIC कनेक्ट्स दीज टू पार्टीज इन ए मैनर दे बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर विद द हेल्प ऑफ एन इंटरेक्ट, यानी कि जो भी ह्यूमन और कंप्यूटर है वो एक दूसरे से अच्छी तरह अवेयर होते हैं। अगर कोई अनट्रेंड बच्चा बंदा अगर जो कंप्यूटर नहीं जानता होता है, वो अगर कंप्यूटर चलाए तो उसमें काफ़ी एरर भी आ सकते हैं और उसका आउटपुट ठीक नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि कंप्यूटर का इंटरफेस हमको देखना होता है कि किस तरह से वो रन होने वाला है, किस तरह से चलने वाला है। सपोज़ आपको कोई अच्छी गाड़ी दे दी जाए, ऑटोमेटिक BMW वगैरह, तो शायद हो सकता है कोई नॉर्मल गाड़ी चलाने वाला उसको पहले ना चला पाए, यानी कि देख पाए, ठीक है। यानी कि नॉर्मल तरह से उसको नहीं चला पाए ऑटोमेटिक गाड़ी को, तो हो सकता है मे बी शायद ये डिफ़ॉल्ट आ सकता है। तो यहाँ पर ह्यूमन कंप्यूटर के साथ वही रिलेशन है कि कंप्यूटर इंसान को कमांड नहीं दे सकता, एक कमांड एक ह्यूमन कंप्यूटर को कमांड दे सकता है, और जो भी कमांड वो देगा और कंप्यूटर उस चीज़ को आउटपुट बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ देगा, तब तक कि आप उस पर सही कमांड प्रेस नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग यूज़र इंटरेक्ट, यानी कि इंसान कंप्यूटर को चीज़ों को समझता है, उसको पता है एंटर करते मुझे ये मिलेगा, या फिर विंडो की दबाते मेरी मेन्यू खुलेगी, या फिर यहाँ से जब मैं पावर ऑफ करूँगा तो मेरा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। तो कंप्यूटर भी समझता है उस चीज़ को कि अगर कोई सामने वाला उसको, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि बंदे ने इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने तुरंत उसको एक अपना कमांड दे दी कि हाँ ठीक है आपने राइट किया है और ये प्रोग्रेस पे है, या आपका आउटपुट हो चुका है। तो ये इमेज के जरिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग कराया गया है, या दूसरी लैंग्वेज में आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एक बंदा है, ह्यूमन है जिसका इंटरफेस है, और वो आपका एक मशीनरी का इंटरफेस है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ HIC, यानी कि HIC की डेफिनेशन क्या है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज़ ए डिसिप्लिन कंसर्ट विद द डिज़ाइन, यानी कि वो एक पूरे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ बनाए जाते हैं, और जो कि काम करते हैं काफ़ी अच्छी तरह से कंसर्न विद द डिज़ाइन, जो कि काफ़ी जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी आप वर्क देखते हो जो डिज़ाइनिंग के सारे होते हैं, यानी कि उनके ग्राफिक्स वगैरह प्रॉपरली हैंडल किए जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज़ ए डिसिप्लिन कंसर्न विद द डिज़ाइन एवोल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमन यूज़ एंड विद द स्टडी ऑफ मेजर फेनोमेना सराउंडिंग देम, यानी कि वो डेफिनेशन में ये बताना चाह रहा है जो भी आपके कंप्यूटर हैं सारे, जितना भी सिस्टम आपका प्रोसेस चलता है, ठीक है, वो उसका यूज़ आप स्टडी मेजर करने के लिए कर सकते हैं, या किसी के पैरामीटर्स चेक करने के लिए कर सकते हैं,
ठीक है, उसके बाद उसके पूरा सराउंडिंग देख सकते हैं किस तरह से वो प्रोसेस चलता है या किस तरह से नहीं चलता है। ठीक है, तो ये थॉमस टी हेवर्ट ने लिखा था, जो कि इसकी डेफिनेशन है 1992 में, जो कि जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर जो नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड की तरफ, तो व्हाट इज HIC, यानी कि HIC क्या है। HIC इज़ द डिज़ाइन स्टडी एंड प्लान ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, जो कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि एक ह्यूमन और कंप्यूटर जो है उनके जो बीच का जितना भी प्रोसेस होता है, जैसे कि कोई बंदा अभी जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किसी एक माउस का सर्कल है, तो उसको ग्राफिक के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ नॉर्मल। तो नीचे एक लैपटॉप रखा हुआ है और ऊपर काफ़ी सारे सिंबल बने हुए हैं, शॉपिंग का है, मोबाइल का है, जीमेल का है और काफ़ी सारे हैं। तो जिस जिस हिसाब से वो उस चीज़ों को कमांड देता है, यानी कि एक सही इंट्रैक्शन उनके बीच में होता है, यानी कि टकराव जो होता है अच्छे से, तो वो ही है एक HIC आपका, प्रॉपर वे में सही कमांड को प्रेस कर देना। ठीक है, अगर कंप्यूटर के साथ हम कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह उसके जो मेज़रमेंट होते हैं सारे, हम उनको हिला देते हैं तो कंप्यूटर चलेगा नहीं, यानी कि उनका इंट्रैक्शन ठीक से बढ़ेगा नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक, तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ए HIC शुड बी, एक HIC क्या हो सकता है, शुड बी सिंपल हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, एसेसेबल हो सकता है, टाइम शेविंग हो सकता है और अट्रैक्टिव होता है। यानी कि सिंपल वे में अगर कंप्यूटर की इतनी हार्ड लैंग्वेज बना दी जाए कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही इंडिया में एक दो लोग ही अगर उस चीज़ को समझ पाए, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। यानी कि किसी भी पर्सन के लिए कोई भी उससे इतनी आसानी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, यूज़फुल हो आपके लिए, ऐसा नहीं है कि खाली नॉर्मल मूवी देखने के लिए हम उसको यूज़ करें। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, हम यूज़ उसको हर जगह कर सकते हैं, बनाने वाले ने कुछ इस तरह बनाया है कि आप उसमें कहीं भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, लाइक टिकट बुक करने में और मूवी टिकट बुक करने में या फिर कोई ट्रैवलिंग टिकट बुक करने में। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है एक यूज़फुल का। ठीक है, एक एसेसेबली, यानी कि एक सही प्रॉपर एसेसेबली होनी चाहिए, सुलभ होना चाहिए वो, एक तरह से पूरा प्रॉपर सेट देखना चाहिए, यानी कि जैसे देखने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव हो के चीज़ें समझ में आए। टाइम सेविंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई टाइम सेविंग में, लाइक जैसे अगर आपका इतना लॉन्ग प्रोसेस में वो वर्क करे कि 1 घंटे का काम 5 घंटे में करे, तो कौन कंप्यूटर यूज़ करेगा। सब टाइम सेविंग वही है, लोग का मानना होता है कि अगर आपको कोई मैसेज किसी को मेल करना है, कोई वीडियो डालनी है, तो इजीली आप मेल के थ्रू डाल सकते हैं, तो इजीली वहाँ पहुँच जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आप 1-2 हज़ार किलोमीटर उसको देने जाएं वो चीज़, तो टाइम सेविंग वो होता है, अट्रैक्टिव हर चीज़ से अट्रैक्ट होना चाहिए वो। ठीक है, तो ये इसके शुड भी होने चाहिए HIC के। और हिस्ट्री जो है आपकी, कि जैसे कि आप इमेज में एक देख पा रहे हो, मैं पहले इसको बता देता हूँ, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एरोज एज ए फील्ड फ्रॉम फील्ड सच एज ए कंप्यूटर ग्राफिक ऑपरेटिंग सिस्टम ह्यूमन फैक्टर इंडस्ट्रियल इंजीनियर फिजिसोलॉजी एंड द सिस्टम पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। यानी कि जो कंप्यूटर हिस्ट्री है उसमें जो कंप्यूटर का यूज़ है वो आप ग्राफिक्स के लिए कर सकते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स जो होते हैं उनके लिए कर सकते हैं, इंडस्ट्री में इंजीनियर्स वगैरह करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी करते हैं, साइकोलॉजी के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो द सिस्टम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो जितना भी जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो, जैसे कि एक बंदा है, और सपोज मे बी मैं एग्जांपल दूँ, ये बंदा इंजीनियर भी हो सकता है, साइकोलॉजी भी हो सकता है, और भी किसी इंडस्ट्री का कोई एम्प्लॉय हो सकता है, तो वो अपने ही काम के पर्पस से उस कंप्यूटर को ऑन करेगा और अपना ही वर्क करेगा। ऐसा तो है नहीं कंपनी के अंदर, अगर वो आर्किटेक्ट है तो उसी से रिलेटेड वो उस चीज़ को कमांड देगा, अगर वो सॉफ्टवेयर पर कुछ बना रहा है तब भी। तो ऐसा तो है नहीं कि आर्किटेक्ट है तो फिर मतलब वर्ड में कुछ लिखने लगा कि राइटर बन गया वो, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हर एक इंसान जो होता है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कंप्यूटर को कमांड देता है और वो उसी तरह से उस चीज़ को आउटपुट देता है। ठीक है, चाहे वो डॉक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या किसी की लिस्टिंग करनी हो, कोई कॉलेज हो, तो कॉलेज के हिसाब से ही उस चीज़ को वो कमांड देता है। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ HIC फॉर कंप्यूटर साइंस अंडर ग्रेजुएट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरफेस विद इंफॉर्मेशन, यानी कि जब आप स्टडी करते हो ऑफ इंटरफेस विद इंफॉर्मेशन, यानी कि जैसे सपोज मान के चलिए
आप कभी शोरूम में जाते हैं और कोई नया मोबाइल आता है तो उसका एक डमी प्रोडक्ट भी रखा रहता है नॉर्मल देखने के लिए, ये ऐसा हो सकता है। तो स्टडी में इतना उसका प्योरिटी होनी चाहिए कि आपको इंटरफेस देखते ही समझ आए, अच्छा ठीक है मैं इसको चला सकता हूँ। लाइक कुछ इस तरह से उसका देखना आपको आना चाहिए एंड इस तरह से उसको बनाया गया है, ठीक है। टू हैव ए कम्पिटिटिव एडवांटेज वन इन द फील्ड विद रिवेल्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि कंपटीटर आज की डेट में बहुत है और हर चीज़ में उनको अपग्रेड चाहिए होता है सब चीज़ का। तो जब भी कोई चीज़ अपग्रेड करी जाती है तो उस हिसाब से उसको, जैसे मैंने बताया फर्स्ट में इंटरफेस, उसमें भी उन चीज़ों को उसी हिसाब से इम्पोर्टेंस दी जाए जैसे कि उसमें पहले दी गई थी। हालांकि कुछ फीचर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो इतने भी नहीं होने चाहिए कि उसमें बंदा जब चलाए तो उसको अपडेट होने के बाद काफ़ी रुकावटें आएँ, यानी कि वो समझ ही ना पाए कि अब के क्या ही हो गया। कुछ केसेस में ऐसा होता है किसी किसी सॉफ्टवेयर्स के साथ या किसी चीज़ के साथ, मान के चले कोई गाड़ी है या कोई मोबाइल है चेंज ही कर दिया, वो पूरा उसका मॉडल आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं हर चीज़ में, ठीक है। इंटरफेस लेआउट अंडरस्टैंडिंग हाउ बिग द बटन टेक्स्ट एंड मेन्यू शुड बी, यानी कि इंटरफेस भी एक इतना होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एक, अगर जैसे कोई समझता है गेम खेलता है गेम में कहीं मेन्यू लिखाता है तो वो पूरी डिस्प्ले पे मेन्यू आए, मेन्यू दबाओ अब फिर वो जाए ऑप्शन जाए प्ले जाए, ठीक है, 4-5 बार में आप पेज में एंटर कर पाओ, ऐसा तो नहीं है। सिंपल आपको नॉर्मल जैसे प्ले है तो प्ले करो, सेटिंग में अगर साउंड ऑफ करना है तो वहीं कर सकते हो। तो एक प्रॉपर वो भी सेट होना चाहिए कि टेक्स्ट कितना बड़ा है, ऐसा तो नहीं है कि पबजी गेम है तो पी पूरी डिस्प्ले पे आए कोई नाम पढ़ने के लिए फिर नेक्स्ट स्लाइड करे तो जब और नेक्स्ट वर्ड आए, ठीक है, या उसकी मेन्यू हो सकती है। तो वो सब एक प्रॉपर सेट में होना चाहिए। अगर किसी इंसान की नाक बड़ी होगी तो लाइक कुछ कैसा लगेगा वो, अगर एक इंसान का पूरा फेस इक्वल उसमें हो प्रॉपर सेट में तभी वो सही लग सकता है। इफेक्ट एंड इंडिविजुअल्स इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी, यानी कि एक काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए आपका हर एक प्रोडक्ट कि लोगों को तुरंत भा जाए, यानी कि इस तरह से वो चीज़ हो सकते हैं, इम्पोर्टेंस हो सकती है किसी भी कंप्यूटर की। जैसे नए नए लैपटॉप्स वगैरह आते हैं तो कुछ लोग होते हैं कोई गेमिंग की तरफ जाता है, कोई ऑफिस की तरफ जाता है, ऑफिस वर्क के लिए लेता है तो नॉर्मल आ सकते हैं। तो बच्चे हर चीज़ की रिक्वायरमेंट देख के लिखते हैं कि वो कितना उनको पसंद आ रहा है, कि लाइक कितना बढ़िया ग्राफिक कार्ड है या फिर लाइक कुछ, या फिर कितनी उसकी रैम है या कितना उसका बैटरी बैकअप है। प्रोडक्टिविटी भी इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि उसके साथ हम उसको कुछ प्रोवाइड भी करा सकते हैं, जैसे लैपटॉप के साथ कोई माउस वगैरह हम उनको दे सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक प्रोडक्टिविटी करते टाइम कि कितना हमको क्या रखना है, कितना मार्जिन रखना है, या अगर लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करना है तो इसके साथ हमें क्या प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, यानी कि HCI मैनली इन्वॉल्व द कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन्स एंड कंप्यूटर थ्रू एन इंटरफेस, दिस इज कॉल्ड इज ए ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्ट। यानी कि नॉर्मल अगर हम लैंग्वेज में बोला जाए तो ये सीधा सा एक कम्युनिकेशन होता है एक ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में, यानी कि उसके इंटरफेस के थ्रू। सपोज इंटरफेस मतलब जो भी आप डिस्प्ले देखते हैं अगर आपकी समझ में आ रही है तो आप उससे कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो शायद नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कंप्यूटर है और लैंग्वेज आपको हिंदी या इंग्लिश से हटाकर रशियन लैंग्वेज कर दी जाए डिस्प्ले पर और रशियन आपने कभी ना पढ़ी हो तो शायद आपको चलाने में बहुत ज़्यादा एरर आ जाए। तो ये वही चीज़ बता रहा है आपको ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पर प्रॉपर ये है इसका इंटरचेंज, ये है इंटरेक्शन सॉरी। तो ये कोई इस तरह का मैंने रखा है आपके लिए ताकि थोड़ा विजुलाइज कर सको आप कि सामने कुछ इस तरह का एक इमेज है आपका। तो जैसे साइड में बटन कितने सेट लिखे हुए हैं, होम हो गया, एडवांस पेमेंट हो गया, इनवॉइस बुकिंग हो गई, ठीक है, ये सारे सब, और ऊपर नॉर्मल लोगो लगा हुआ है कंपनी का नाम, पे ट्रैकर, पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें अंदर जाना चाहो तो आपका यूज़र नेम पासवर्ड है कि आपको कैंसिल करना है, ओके करना है यूज़र नेम पासवर्ड डाल के। तो ऐसा तो है नहीं अब इसमें कि इतना टफ इंटरचेंज हो कि आप बस पहली डिस्प्ले पर लोगो हो फिर आगे जाओ, फिर उसका नाम हो, फिर फुल फॉर्म हो, फिर होम हो, मतलब एक एक पेज में इस तरह नहीं है कि लोगों को थोड़ा सा
खींचना पड़े वो चीज़, तो वो नहीं है। एक पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है आपको एक ही डिस्प्ले पर, कि आप एक ही मल्टीपल वर्क कर सकते हैं एक ही साथ चीज़ों को देख देख के। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सपोज़ हम एग्जांपल में ये भी कह सकते हैं कि आप कॉलेज जाते हो, ठीक है, तो कॉलेज जाते टाइम आपको स्कूटी खड़ी करके आनी होती है 20 किलोमीटर दूर से, फिर वहाँ से पैदल चल के आना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद लेक्चर लेने के लिए कॉलेज में घुसो, तो एक लेक्चर आपका यहाँ हो रहा है, फिर अगला लेक्चर आपका 100 किलोमीटर दूर हो रहा है। ठीक है, तो वो सब पूरा प्रॉपर सेट जैसे यहाँ पर दिख रहा है, वो भी एक सेट बना के रखते हैं कि नहीं प्रॉपर सब चीज़ अच्छा है, यानी कि आप उस चीज़ से अच्छा अवेयर हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ HIC डिज़ाइन, यानी कि एक प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं आपके HIC डिज़ाइन के, जैसे कि प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपिटल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, द इंटरफेस डिस्प्ले शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर, यानी कि एक जो डिस्प्ले है आपकी इंटरफेस की, जैसे कि मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ, ठीक है, वो आपकी एकदम क्लीन और नीट होनी चाहिए। तो अभी मैं उस चीज़ को दिखा भी चुका हूँ आपको, तो उस हिसाब से आपको वो मैटर करेगा कितना है या कितना आपका पावरफुल कोई चीज़ है या नहीं। ठीक है, ठीक है, और ये जो आपका फर्स्ट है परपेचुअल प्रिंसिपल्स, उसके अंदर यही है सारा कुछ। तो थर्ड इज़ दैट कि यूज़र ऑफ ह्यूमन सेंसर वेरिएबल सच एज ए कलर एंड साइज, यानी कि किसी भी चीज़ का कोई, जब जैसे मान के चलिए आप UX/UI डिज़ाइन आप देखते हैं मोबाइल में ऐप वगैरह, तो उनके कलर कुछ ऐसे नहीं होते कि आप रात को फ़ोन देखते में आपकी आंखों में छूते हों या आपको डिस्ट्रैक्ट करते हों। पबजी गेम होता है इतना क्यूट और सॉफ्ट उसके सारे ग्राफिक्स हैं कि आपको बड़ा मज़ा आता है खेलने में, मगर वही गेम आप, मैं एग्जांपल लेके चलूँ जो बहुत पुराने गेम थे, अगर हम उनकी बात करते चलें जिनके ग्राफिक्स भी ठीक नहीं आते थे, ब्लर आते थे, अगर आपको आज की डेट में आपको वो खिलाया जाए तो आपको कैसा लगेगा, बड़ा अजीब सा। तो वही चीज़ है, उनके ग्राफिक्स की वजह से उनके कलर ठीक नहीं आते थे, बट आज की डिमांड बढ़ते हुए इन सब चीज़ों को बहुत मेंटेनली अच्छा किया गया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका प्रिंसिपल ऑफ HIC डिज़ाइनिंग में के अंदर आता है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ HIC में ये भी है कि मेंटल प्रिंसिपल्स, पिक्चर रियलिज्म, कॉन्फिगरिंग विद द इंटरफेस इन ए मैनर विच लुक, यानी कि जो भी आपके इंटरफेस में जैसी भी कोई मान के चलिए वेबसाइट है, कोई इमेज है, तो विच लुक्स लाइक इट वुड इन द रिप्रेजेंट एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रही हो। ऐसा ना हो कि जैसे आपकी खाने की दुकान, रेस्टोरेंट की मान के चलिए, रेस्टोरेंट की आपने कोई वेबसाइट बनाई है और उस पर आप इमेज को, एनवायरनमेंट कुछ इस तरह लगा रहे हो कि जैसे वो ट्रैवलिंग का है, ठीक है, ट्रैवलिंग टाइप में कुछ फ़ोटो वगैरह, मतलब देखते ही कुछ चीज़ पता चलती है कि लाइक दिखाना आप ये चाह रहे हो दिख वो रहा है, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। यूज़ ऑफ मूविंग एलिमेंट इन द इंटरफेस सच एज ए टेम्परेचर डिस्प्लेइंग सिस्टम, ठीक है, यानी कि उसमें जितना भी सारा कुछ मूवमेंट हो, कोई लोडिंग वगैरह हो जितनी भी आपके डिस्प्ले पर, तो उनका जितना भी ऐसे मान के चलिए कि जो भी आपकी डिस्प्ले सिस्टम है, तो जैसे आपने कभी फ़ोन देखा हो धूप में जब आप रखते हो ज़्यादा गर्मी में, तो फ़ोन की डिस्प्ले ब्लैंक हो जाती है कुछ टाइम के लिए, यानी कि जो उसका पूरा टेम्परेचर रहता है वो एक लिमिट रहता है, जैसे कि एक इंसान की बॉडी होती है कि एक लिमिट तक उसको फीवर नहीं आएगा, जैसे ही उसने अपना वो पॉइंट क्रॉस किया तो उसको फीवर आने लगेगा। तो लाइक उस तरह से ही हर चीज़ की एक वार्म वार्म चलती है, यानी कि गर्माई चलती है कि उसको कितने हद तक उस स्क्रीन को झेलना होता है। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ HIC डिजाइनिंग। नेक्स्ट मेमोरी प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, कि वो कितने रीडेबल होती है, नहीं रिप्लेसिंग टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन विद विजुअल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी हम विजुलाइजेशन कराते हैं, जो भी वहाँ लिखा होता है, तो जो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहा होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, जैसे कुछ मान के चलिए कोई पेप्सी का एड है कहीं, तो वो हम पेप्सी पे कोई थॉट लिखते हैं तो वो पूरा प्रॉपर एडिटेबल होना चाहिए बाद में, ताकि हम कुछ उस पर और करेक्शन कर सकें, यानी कि पहले जब चीज़ कोई फाइनल होती है तभी अप्रूव हो के वो बाहर आती है। ऐसा ना नहीं होता कि लाइक नॉर्मल जैसा है वैसे ही चढ़ा दिया, तो उसमें अगर हमें कोई चेंजिंग करना पड़ जाए तो वो चेंज इजीली कर सकते हैं। सिंपलर टास्क टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ द यूज़र मेंटल सोर्स, ठीक है, ये सारा कुछ प्रोसेस है इसके अंदर। और उसके बाद टाइप्स ऑफ यूज़र
इंटरफेस यानी कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है GUI, के आपके ग्राफिक कितने अच्छे चल रहे हैं PC पर। जैसे सपोज़ किसी बच्चे के कंप्यूटर में, स्टूडेंट्स के में ग्राफिक कार्ड ना हो तो गेम में खेलने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, या फिर वेब फेस यूज़र इंटरफेस, डिस्प्ले क्वालिटी हो सकती है इसके अंदर कि आपका जो PC की डिस्प्ले क्वालिटी है 4K है या नहीं, मतलब किस हिसाब से आप उस पर अपनी जो इंटरफेस बनाया है उस पर चलवा सकते हो कि नहीं। जो भी जैसे कि वेबसाइट है आपकी, जैसे मान के चलिए वीडियो है, तो वीडियो आप किस हिसाब से उस इंटरफेस पे चला सकते हो, लाइक कितना वेब बेस है वो पूरा, कमांड लाइन इंटरचेंज, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए जैसे मेन्यू होता है, मेन्यू पे कोई अंडरलाइन होती है, देखते ही पता चलता है, ऐसा नहीं पूरा फ्लैट फ्लैट जाता है। जैसे मान के चलिए मैं आपको, आपके सामने स्क्रीन है तो इसमें ये पूरे ग्राफिक्स लाइन है, शायद रेड कलर का कुछ बॉक्स बना हुआ है ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, तो ये लाइन भी एक मैटर करती है। जैसे वाइट बॉक्स के अंदर ये आपका टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस लिखा हुआ है, तो लाइन भी हर टेक्स्ट में एक मैटर करती है। टच यूज़र इंटरफेस, टच की स्क्रीन, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ यूज़र के इंटरफेस हैं, यानी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस हो गया, वेब बेस्ड यूज़र इंटरफेस हो गया, कमांड लाइन इंटरचेंज इंटरफेस यूज़र हो गया, टच यूज़र इंटरफेस हो गया, ठीक है। तो देखिए कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि जैसे इस तरह की कुछ कमांड होती हैं, कुछ लोगों ने शायद चलाई भी होंगी, स्टूडेंट्स ने, या फिर कुछ ने नहीं चलाई है, तो अगर आप इसमें सही कमांड आप देते हो या कितना फ्लेक्सिबल आपका कंप्यूटर चलता है उस टाइम, या फिर प्रोसेसिंग में कोई एरर आता है, तो वो चीज़ सब आपको प्रॉपर मैनेज करना होता है, ठीक है। तो आगे आगे जब भी जैसे कोई BCA वगैरह में स्टूडेंट होता है तो कोडिंग वगैरह में जब एरर आता है तो वो चीज़ अच्छे से नहीं हो पाती, या कुछ लोडिंग ज़्यादा आ जाती है तो भी प्रॉब्लम आती ही आती है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक सैम्पल था आपके सामने कमांड लाइन इंटरचेंज का, ठीक है, इंटरफेस का, सॉरी। एंड नेक्स्ट इज ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, इस तरह हो सकता है जो भी आपको डिस्प्ले पर विजिबल होता है, जो अभी दिखाया था मैंने वो डिस्प्ले के पीछे होता है, यानी कि आप कोडिंग हो, मान के चलिए उसको कोडिंग होता है, कोडिंग के थ्रू किसी चीज़ में डिस्प्ले हम देख पाते हैं डिजिटली जो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल्स वगैरह में सारा के पीछे कोडिंग ही छुपी होती है जो कि हमें विजिबल होता है किसी भी डिस्प्ले पर कोई भी चीज़। नेक्स्ट इज़ कि ये आपके स्टूडेंट्स असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज़ कि व्हाट इज़ HIC और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, यानी कि पहला आपका व्हाट इज़ HIC है। सेकंड इज़ कि आपको इम्पोर्टेंस बताने हैं ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के, एंड प्रिंसिपल्स बताने हैं आपको HIC यानी कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के। तो ये सब मैं अभी असाइनमेंट्स में आपको पूरा डिफाइन कर चुका हूँ, तो आई होप यू हैव नो क्वेरी ऑफ दिस लेक्चर, तो आप इस असाइनमेंट को इजीली कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।